हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर दैट इज आवर हाउस। ठीक है, और जिसमें अपन ने हाउस क्या होता है उसके बारे में अपन ने बात की थी। टू टाइप्स ऑफ हाउसेज भी अपन ने देखा था, जिसमें वन टाइप ऑफ हाउस अपन ने देखा कच्चा हाउस। और कच्चा हाउस किससे बना होता है? वुड, मड, ओके, स्ट्रो, इनसे मिलके क्या बनता है? कच्चा हाउस बनता है। और एक अपन ने देखा था पक्का हाउस। पक्का हाउस किससे बनता है? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन एट्सेट्रा। ओके, देन फॉर द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, नाउ अ टुडेज टॉपिक इज रूम्स इन ए हाउस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूम्स इन ए हाउस। ठीक है, रूम्स के अंदर जो हाउसेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये तो है ना, एक ये सारे मतलब हाउस है उसमें सारे सेम हाउस होते, सारे सेम रूम होते हैं, उनका सेम यूज होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। डिफरेंट टाइप के जो हाउसेज होते हैं, सॉरी, डिफरेंट टाइप जो रूम्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप का उनका यूज होता है। ओके, देयर आर डिफरेंट रूम्स इन ए हाउस। ठीक है, वन जो हाउस होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं और इन रूम्स का डिफरेंट यूज होता है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट रूम्स इन ए हाउस। हाउस के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। ओके, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो साइज है वो भी चेंज हो सकती है। ईच रूम हैज़ इट्स ओन यूज। हर एक रूम का अपना अलग यूज होता है। ठीक है, हर रूम को अलग तरीके से यूज किया जाता है। ओके, वी सिट एंड टॉक टू गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। फर्स्ट अपना हो गया ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की पिक्चर आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, ये क्या आपका ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम का यूज क्या होता है? उसमें आपके जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं उनको आप यहाँ पे रख सकते हो, उनको आप बिठा सकते हो इधर। ठीक है, और आप उनसे आराम से बातें कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो रूम है ये आपका क्या हो गया? ड्राइंग रूम। ठीक है, पिक्चर देख के भी आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज वी कुक फूड इन द किचन। और अपना जो किचन है उसमें क्या होता है? एज यू कैन सी, ये पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका जो किचन है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? फूड कुक करते हैं। ओके, देन इनकी जो पिक्चर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? किचन हो गया। तो आप जानते ही हो किचन का यूज तो क्या होता है। ठीक है, तो किचन में क्या किया जाता है? किचन में फूड बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। नेक्स्ट अपना क्या हो गया? डाइनिंग रूम हो गया। तो ये जो डाइनिंग रूम होता है, ठीक है, इस डाइनिंग रूम में आप क्या करते हो? आप खाना खाते हो। आप ब्रेकफास्ट अगर आपको करना हो तो भी आप डाइनिंग रूम में करते हो। ठीक है, लंच, डिनर वगैरह जो भी आपको खाना खाना है वो आप क्या करते हो? डाइनिंग रूम में करते हो। और इस तरह से इसकी जो पिक्चर है वो आप देख के समझ सकते हो कि जो आपका डाइनिंग रूम है वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इज वी ब्रश आवर टीथ एंड टेक ए बाथ इन द बाथरूम। अगर हमें ब्रश करना हो, ओके, और हमें बात करना हो तो हम क्या करते हैं? अपना जो बाथरूम है इस टाइप से उसमें क्या करते हो? बात। ठीक है, और आप अपने टीथ ब्रश भी कहाँ पे करते हो? बाथरूम में। ओके, लाइक दिस वी स्टडी इन द स्टडी रूम। ओके, और आप स्टडी कहाँ पे करते हो? अपने स्टडी रूम में। तो ये आपकी क्या हो गई? पिक्चर हो गई। अब आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे तो बुक्स वगैरह ही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पिक्चर देख के पहचान सकते हो कि जो स्टडी रूम है वो किस तरह से दिखाई देता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया? वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। अपना जो बेडरूम होता है उसमें आप क्या करते हो?
रेस्ट करते हो और उसी में आप क्या करते हो, स्लीप करते हो। और ये आपकी हो गई पिक्चर। इसमें इसको आप देख के समझ सकते हो, जिसमें आपका बेड होता है जहाँ पे आप स्लीप करते हो, वो आपका क्या हो गया, बेडरूम हो गया। ओके, लेट मी रिमाइंड यू वन, जो हाउस होता है उसमें डिफरेंट टाइप के हाउसेज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ने देखा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में आप गेस्ट को गेस्ट को आराम से बिठा सकते हो और उनसे आराम से बातें कर सकते हो। फिर अपन ने देखा किचन रूम, ठीक है। तो किचन में क्या होता है, खाना बनाया जाता है, ओके। और इनकी पिक्चर्स देख के भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन ने देखा था डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में आप क्या करते हो, खाना खाते हो। इसी टाइप से अपन ने बात की थी बाथरूम की, जिसमें आप ब्रश करते हो, ठीक है, और आप बात करते हो, ठीक है, बाथिंग करते हो ना आप, तो कहाँ पे करते हो, बाथरूम में, ओके। इसी टाइप से अपन ने देखा था स्टडी रूम। स्टडी रूम में आपको स्टडी रूम की आपको किस लिए नीड होती है, ताकि आप प्रॉपर वे में बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से स्टडी रूम में स्टडी कर सको। इसी टाइप से अपन ने बेडरूम देखा, जिसमें आप आराम से रेस्ट कर सको, स्लीप कर सको, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, बेडरूम हो गया, ओके। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू।